जी थोड़ा लेट आ रही है आवाज। तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। लास्ट क्लास में हमने बताया था कि सर्वर आखिर होता क्या है, किस पर्पज से यूज होता है, किस तरह की चीजें थी, जो थ्योरिकल बातें थी, बट जो हमारी आम यूजल है उसने बताया था, किताबी जो है चीजें नहीं बताई थी मैंने आपको। तो हमने आपको बताया था कि SQL सर्वर को कनेक्ट कैसे करते हैं, हमने इसको कनेक्ट कर लिया। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, आपको इसको इंस्टॉल करना आना चाहिए। इंस्टॉल करने भी थोड़ी सी इसकी दिक्कत होती है, तो इंस्टॉल करना भी आना चाहिए। लेकिन इंस्टॉल करने की वीडियो मैंने यूट्यूब पे बना के डाली हुई है, क्योंकि तो बार बार मैं इंस्टॉल तो नहीं कर सकता ना सर। तो ये हमारा SQL सर्वर खुल गया होगा। तो इसमें जो मैं बताया था आपको कि मेन होता है वो होता है डेटाबेस। एक सर्वर, एक पीसी पे कई सारे सर्वर हो सकते हैं और कई सारे सर्वर में कई सारे डेटाबेस हो सकते हैं, जैसे कि एक्सेल फाइल होता है, एक्सेस फाइल होता है, ऐसे इसके अंदर भी डेटाबेसेस होते हैं। और उन डेटाबेस के अंदर क्या होता है, वो होता है टेबल। ओके, टेबल। और टेबल के अंदर ही होती है डेटा, जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल के अंदर ही स्टोर होता है। या फिर अगर डेटा आपको पैच करना है, डेटा अगर स्टोर करना है, सो टेबल ही बताता है कि कैसे स्टोर करना है और कैसे इंपोर्ट करना है। और ये सारी चीजें दो मीडियम से होती है। पहली जो है हमारा ग्राफिकल इंटरफेस, मतलब कि माउस की बटन से, और दूसरा आप क्यूरी कमांड से कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम अब बात करते हैं कि किसी डेटाबेस को बनाए कैसे। और जैसे बनाने से पहले पुराने डेटाबेस को डिलीट भी तो करना है। जी, एक डेटाबेस फालतू बना है, इसको डिलीट करना है। तो मैंने राइट क्लिक किया इसके ऊपर और इसमें डिलीट का ऑप्शन है, हमने डिलीट पे क्लिक किया और सिंपल सा हमने इसको ओके कर दिया। इन प्रोग्रेस है, ये थोड़ा सा टाइम करता है क्योंकि इस डेटाबेस क्रिएट होने के साथ, जैसे एक्सेल फाइल ही क्रिएट नहीं होता, इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें क्रिएट होती है, तो सबको डिलीट करना होता है। हम बात करेंगे कि एक डेटाबेस कैसे बनाएंगे आप। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, डेटाबेस बनाना है। तो किस सर्वर पे बनाना है वो डिसाइड करके उस सर्वर को आप कनेक्ट कर लीजिए। अगर आपने गलत सर्वर कनेक्ट किया है तो यहां से कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कीजिए और वापस कनेक्ट कीजिए। जैसे मैं बता रहा हूं कि मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया और वापस इस पे कनेक्ट कनेक्शन ऑप्शन आ गया, अपना जो सर्वर है उस सर्वर को सिलेक्ट किया एंड क्लिक द कनेक्ट। और कनेक्ट में, सर्वर को कनेक्ट करने में क्या क्या चीजें चाहिए हमें स्क्रीन किया था। अब मुझे डेटाबेस बनाना है तो डेटा के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और यहां हम करेंगे न्यू डेटाबेस। सबसे पहला ऑप्शन है न्यू डेटाबेस, हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक इंटरफेस खुल के आएगा, लेकिन थोड़ा सा लेट फॉर्म करता है, थोड़ा सा सर्व रखिएगा। यहाँ पे आपको डेटाबेस का नाम क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे मान लीजिए डेटाबेस का नाम डाल दिया 10 डेटा। ओके, डिफॉल्ट अब यहाँ पे आता ऑनर, इस डेटाबेस का ऑनर। जैसे मान लीजिए ना कि आप बात यह है कि जब आप अपने ऑफिस में यूज करेंगे तो ऑफिस में आपको डेटाबेस क्रिएट करने का थ्रोटी नहीं होगा, क्योंकि वहां पे जो लिमिटेड होता है कि इसके साथ कौन क्या क्या कर सकता है। तो सॉरी, जब आपकी आईडी क्रिएट होगी तो एक लिमिटेड अथॉरिटी आपको दिया जाएगा कि इस लिमिटेड अथॉरिटी आपको है, समझ गए सर। तो वहां पे अगर मान लीजिए कि डेटाबेस का ऑनर किसी और को बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे सारे लॉगिन डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ ब्राउज करके और ये सारे लॉगिन डिटेल जो है आपको दिख रहा होगा, उसमें क्लिक कीजिए एंड ओके कर। अदरवाइज आप इसको डिफॉल्ट छोड़ सकते हैं। अब दूसरी चीज, अब यहाँ पे ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि ऐड कब करेंगे, जब आपको कई सारे डेटाबेसेस बनाने होंगे तभी आप ऐड पे क्लिक कीजिएगा। एक डेटाबेस के लिए ऐड नहीं, सीधे इसको ओके कर। थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा और यहां आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब डेटाबेस क्रिएट हो जाने से आपका काम खत्म नहीं हुआ, अब इसके अंदर आपको टेबल्स को स्टोर करना है।
दूसरी चीज है कि टेबल क्रिएट करने से पहले मान लीजिए मेरे पास एक्सेल की कोई पर्टिकुलर फाइल है, क्या उसको यहां मैं लोड कर सकता हूं? तो चलिए एक्सेल की डेटाबेस लेते हैं, इसी को लेते हैं जो हमारा है, इसको मैं यहां से सेव एज कर देता हूं। सेव है, सेव ही है, सेव एज करने की जरूरत नहीं है। तो यहां हम आते हैं राइट क्लिक में आने के बाद हम टेबल के ऊपर, नहीं टेबल नहीं, इसमें डेटा के ऊपर टास्क में यहां देखिए आपको दिखेगा इंपोर्ट डेटा, दिख रहा है आपको? एक तो फ्लैट फाइल, एसक्यूएल की जो फ्लैट फाइल होती है उससे डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, बट यहां हमारा इंपोर्ट फ्लैट फाइल नहीं करके इंपोर्ट डेटा पे क्लिक। फिर यहां इसको करते हैं नेक्स्ट। डेटा सोर्स आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा डेटा सोर्स है, थोड़ा सा हैंग हो रहा है तो मुझे हाँ, तो इसमें माई ओरेकल है, ओडीबीसी है, ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर, बहुत सारे डेटा फाइल आपको दिख रहा होगा, इसमें एक ही दिख रहा होगा आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ से आपको देना है फाइल, तो ब्राउज करके आप अपने उस फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए जिस फाइल को मुझे लोड करना है। मैं ओके, अब यहां पे मैं इसको नेक्स्ट करता हूं। अब यहां पे एक छोटी सी दिक्कत आ गई इस फाइल में, क्योंकि ये फाइल जो हमारा है वो है .xlsm। आई थिंक हमें लग रहा है कि xlsm जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसको मूव एंड कॉपी करते हैं, क्रिएट कॉपी एक नई फाइल में, उसको सेव करते हैं और इसको हम एक्सलेस एक्स कर देते हैं। ध्यान रखिएगा एक्सलेस एम फाइल सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन बेटर रहेगा कि आप जो है एसक्यूएल देखा करते हैं, आप फाइल जो है हमेशा सीएसवी रखें, सीएसवी बेटर है, लेकिन यहां हम मान लीजिए कि ये एक्सेल वर्कबुक कर देते हैं यहां से और इसको क्लोज करते हैं, एसक्यूएल सर्वर पे इस पे जाते हैं, यहां ब्राउज करते हैं और यहां एसक्यूएल डेटा को सिलेक्ट करके ओपन करते हैं एंड देन नेक्स्ट। यहां पे बोला है provider is not registered the local machine and system data, is 16 ka provider jo hai dekha Microsoft ACD OLED .16 provider is not registered, तो इसका मतलब है कि मुझे फाइल को सेव एज करना होगा, तो इसका प्रोवाइडर में रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ, मुझे रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, तो उसका तरीका थोड़ा सा अलग है, तो उसको हम बाद में करेंगे, पहले हम फाइल को सेव एज कर देते हैं माइक्रोसॉफ्ट, इसी में कर देता हूँ डॉक्यूमेंट में एसक्यूएल डेटा और यहाँ पे 97 से 2003 वाला फॉर्मेट लेते हैं एक्सेलस डॉट एक्सेलस। अब यहां से हो गया सर जी, क्या था दिक्कत कि इसमें XLS 16 वाला इसका जो है प्रोवाइडर है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसको एक बार डाउनलोड करके रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। ओके, वो तरीका अलग है, हम आपको बताएंगे कैसे करते हैं। सॉरी, यहाँ प्रोवाइडर में भी जो है मुझे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेलेक्ट करना होगा, फिर फाइल पाथ को सिलेक्ट किया हमने, नेक्स्ट कॉपी डेटा फ्रॉम मोर टेबल्स एंड व्यू, डेटा टेबल है यहाँ पे, जितने भी टेबल जितने भी शीट्स होंगे सारे लिस्ट होगा, बट यहाँ पे डेटा टेबल डेटा शीट्स है, डेटा शीट को सिलेक्ट कर लिया, देन नेक्स्ट
जैसे इसमें सेव पैकेज कर देंगे, तो जैसे कि आपको इस फाइल से हर बार लेना होता है तो इसको पैकेज सेव कर दीजिए, इससे क्या होगा कि जब आपको दोबारा चाहिए होगा तो इस पैकेज को रन कर सकते हैं। ओके ठीक है, इस पैकेज को रन कर सकते हैं। और इसका हम यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं, न्यू पैकेज रन करके डेटा आ जाएगा ये। हाँ सेव कर दिया, नहीं वो तो डेटा आएगा ही आएगा, लेकिन मैंने क्या किया हुआ है, अब देखिए सारा डेटा यहाँ पर लोड हो रहा है, और कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो वहां पे यहाँ पे देखा 197 रो ट्रांसफर किसने किया, 147 रो को उसने कॉपी किया है, हमने इसको क्लोज कर दिया, कर दिया जी। अब जैसे कि यहाँ देखेंगे टेबल्स में, अब टेबल्स में नहीं दिख रहा है तो आपको एक बार इसको रिफ्रेश करना हो, रिफ्रेश करते ही टेबल में देखेंगे तो यहाँ पे आपको भी नहीं आया। एक मिनट में देखिए, कभी कभी ऐसा होता है लेट हो जाता है, दोबारा कनेक्ट करता हूँ। डेटा का नाम से आया होगा डेटाबेस में, टेन डेटा में टेबल्स, कहाँ चला गया ये? ओके यहाँ आ गया, आईपीटी में चला गया ऐसा। जी हाँ तो आपने देखा किस तरीके से हमने डेटा को लोड किया, राइट जी। तो इस तरह से आप अपने डेटा को लोड कर सकते हैं। ये तो हो गया सर डेटा लोड करना, हम टेबल वगैरह खुद भी बना सकते हैं। जी हाँ मैं वो भी बताता हूँ, एक तो हो गया कि एक्सेल फाइल डेटा है लोड कर ले, लेकिन हर बार एक्सेल फाइल के डेटा को हम लोड नहीं करते हैं ना, हमें अपने खुद के टेबल क्रिएट भी करने पड़ते हैं। ओके तो अब हम बताएंगे कि कैसे हम खुद के टेबल क्रिएट करते हैं। खुद के टेबल क्रिएट करना है तो जिस सीट में क्रिएट करना है उस सीट के टेबल वाले फॉर्मेट में आ जाए, और राइट क्लिक करके न्यू, न्यू में आप टेबल पे क्लिक कर, ठीक है। टेबल पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे अब देखिए ध्यान रखिए, जब आप टेबल क्रिएट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कितने फील्ड्स हैं, जैसे एमएस एक्सेस में आपको पता होना चाहिए था कि कितने फील्ड्स हैं, और साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस फील्ड में किस तरह का डेटा है। नेम ले लिया नेम, तो यहाँ डेटा टाइप आ गया ना एनकैरेटेड, अब एनकैरेटेड मतलब कि नंबर कैरेक्टर दोनों इंच ही करेगा, लेकिन इसकी डिजिट जो है वो 10 तक ही रहेगी। तो मैं 10 को हटा के यहाँ 50 कर देता हूँ, और या अलाउ नल्स मतलब कि क्या ब्लैंक अलाउ है, अगर है तो टिक मार्क, अगर नहीं मार्क तो मत कीजिए इसको, हम चेक कर लेंगे। ऐसे में यहाँ पे सिटी दिया, सिटी भी एनकैर है, और यहाँ पे हमने इसकी लेंथ 50 कर दिया। क्या क्या है इसके वो चीजें, मतलब कि क्या क्या इसके डेटा टाइप्स हैं, तो हम आपको आगे क्लासेस में समझाएंगे। ओके अब यहाँ नंबर है, तो यहाँ पे हम यहाँ जो है नंबर देते हैं, यहाँ पे नंबर, नंबर में कई तरह के नंबर होते हैं कि ये आपका इंट है या क्या है, तो हमने यहाँ पे इमेज ग्राफिकली बिट है, करेक्टर है, बाइनरी है, एंड यूनिक है, क्या यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे इनका न्यूमेरिक कर देते हैं, ठीक है जी। हो गया, और इसका स्केल जो है परसेंटेज जो है इसका और 18 डिजिट तक दिया गया है, 18 डिजिट की जगह पे यहाँ पे 2 डिजिट में कर देता हूँ कि 2 डिजिट, और स्केल इसका 0 क्रिएट हो गया टेबल, हम इसको यहाँ से क्लोज करेंगे, जैसे ही क्लोज करेंगे हम उससे पूछेगा नाम, इसका नाम दे दिया मैंने डेटा, और डेटा करके जैसे ओके करूंगा देखिए आपके यहाँ पे डेटा टेबल आ जाएगा, बट रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार, आ गया ना। अब इस पे क्लिक करके कॉलम दे सकती है, कौन कौन से हैं, ये इसका डेटा देखना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट टॉप और थाउजेंड कर दीजिए, तो डेटा आ जाएगा, डेटा नहीं है लेकिन मुझे इसमें डेटा एंट्री करनी है, इंपोर्ट नहीं करना है, खुद से एंट्री करना है, तो उसके लिए फिर यहाँ पे हम करेंगे
200 दिख रहा है आपको सर जी जी। अब ये चीज हम इस क्यूरी से भी करेंगे, जरूरी नहीं एक्सेल से करें, क्यूरी से भी कर सकते हैं। ओके नेम यहाँ पूछा था, क्यूरी से हम अगली क्लास में बताएंगे, फिलहाल हम आपको इसका ग्राफिकल इंटरफेस समझा रहे हैं। ठीक है सर। पुणे तो हमें 2 digit किया था ना, तो देखिए अब 3 digit डालता हूँ तो जी 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 2 digit में ही ले रहे हैं। 1 यहाँ पे इंदर, मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि कोई टेक्स्ट डाल दिया तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके यहाँ पे हमने नंबर डाल दिया, इसमें वो भी रहता है सर, अगर टेक्स्ट और कॉलम जैसे कैरेक्टर एंड नंबर दोनों, हमने एन कैर कर दिया तो इसमें हम नंबर करके दोनों डालेंगे ना। अच्छा अच्छा ठीक है, कैर किया कि हम इसमें नंबर भी डाल सकते हैं और इसमें हम कैरेक्टर भी डाल सकते हैं, एन कैर इसलिए इसका डिजाइन किया गया। ठीक है सर, ठीक है। ना गया विदाउट तो नहीं आपको इसमें? नहीं सर अभी तक तो नहीं। अभी तो आपने सीखा, क्या सीखा आपने? सीखा कि किस तरीके से हम डेटा अपलोड करते हैं, इस तरीके से उस डेटाबेस के अंदर हम टेबल्स को क्रिएट करेंगे जी, एंड उस टेबल्स हम कैसे एक्सेल फाइल को लोड करेंगे जी, और कैसे हम एक्सेल फाइल में अपने डेटा को कैसे लोड करेंगे, मॉडिफाई करेंगे मैन्युअली, कैसे हम कॉलम टेबल बना के लिख सकते हैं जी जी। अब यहाँ पे दिक्कत आते हैं, क्या टेबल का डेटा हम कॉपी कर सकते हैं? मुझे एक्सेल में जाना हो तो हालांकि यहाँ आपके सामने एक्सपोर्ट का ऑप्शन तो होता है कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन एक्सपोर्ट करने से बजाय आप टॉप 1000 सेलेक्ट कर लीजिए। ये आ गया, आ गया ना सर जी, जी आ गया। और इसमें आपको जो है कॉपी का ऑप्शन है, इसको कॉपी कीजिए और जहां पेस्ट करना हो पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, करने से बेटर पढ़ना, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कैसे करेंगे लास्ट क्लास में समझाएंगे। और जो यहाँ पे देखिए इसके क्यूरी भी लिखे हैं, टॉप 1000 आ रहा है, अगर मैं मान लीजिए कि पूरा ओवरऑल चाहिए तो मैं यहाँ पे स्किल पे डाल दूंगा और इसको एक्सक्यूट कर दूंगा। ठीक है, आ गया। क्या किया आपने? 100 स्टार्ट फ्रॉम 10 100 नहीं है सर, लाइक स्टार है सर, अगली क्लासेस में समझाएंगे। फिलहाल आप जो है टेबल बनाना, डेटाबेस बनाना, एक्सेल फाइल को इम्पोर्ट करना, नोट पैड को इम्पोर्ट करना और भी जितने भी इम्पोर्टिंग वाले फाइल फॉर्मेट्स हैं उसको आप एक बार ट्राई कर लीजिए। ओके सर, ठीक है, ठीक है, इसको एक बार आप ट्राई कर लीजिए, कल हम आपके सामने डिस्कस करेंगे इसके आगे। ओके ओके सर, ये मुझे ना रिकॉर्डिंग भेज देना आप। हाँ।